इस सिगरेट इलस्ट्रेशन नंबर 36 इलस्ट्रेशन नंबर 36 पेज नंबर 4.34 देखो क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5 ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर, दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ए बी और सी का, वो क्या हो गया 13:7:4। ठीक है, सी कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है ये असेट्स और अपने मतलब कैपिटल और गुडविल के लिए सारे असेट्स को लेके आए, कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। क्या क्या लेके आए, स्टॉक, वो स्टॉक लेके आए कितने का, स्टॉक लेके आए 60,000 रुपीज का। वो क्या लेके आए, डेटर्स लेके आए कितने के, 80,000 रुपीज के। डेटर्स लेके आया कितना, 80,000। डेटर के बाद लैंड, वो लैंड लेके आया कितने की, लैंड लेके आया कितने की, 2 लाख की। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी लेके आया कितनी, प्लांट एंड मशीनरी वो लेके आया कितनी, 1,20,000 की। उसके बाद बस ये सारे असेट्स वो लेके आया है। तो ये जो असेट्स है वो किस किस के लिए है, इसके अंदर कैपिटल भी है और प्लस गुडविल, अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए टोटल असेट्स वो लेके आया है। तो ये जो टोटल असेट्स वो लेके आया है कितने के हो गए, फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड के हो गए। इसमें दोनों चीजें हैं कि उसकी कैपिटल भी और गुडविल भी है, तो अपन को दोनों को बाइफिकेट करना है कि इसमें कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है। तो नया पार्टनर गुडविल कितनी लाता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑन द एडमिशन ऑफ सी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ सी एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 7,50,000। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो कितनी निकली, 7,50,000। तो नया पार्टनर गुडविल कितनी लाता है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 4/24। तो नया पार्टनर ये अमाउंट ऑफ गुडविल आएगा, तो इंटू 4/24 करेंगे कितना आएगा, 1,25,000। तो यानी 4,60,000 में 1,25,000 की तो गुडविल होगी, बाकी की क्या होगी, कैपिटल। तो कैपिटल कितनी होगी, 4,60,000 था टोटल, उसमें से 1,25,000 की तो गुडविल हो गई, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट किसका है, कैपिटल का। तो रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल का हो गया कितना, 3,35,000। अब सबसे पहले ये दोनों मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले मेथड वन क्या था हमारा, विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का स्टॉक आ रहा है, 60,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने के डेटर्स आ रहे हैं, 80,000। लैंड अकाउंट डेबिट कितनी है, 2,50,000।
फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट कैपिटल कितनी है, 3,35,000। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 1,25,000। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए एंड बी ओल्ड रेशियो कितना था, 7/12 और 5/12 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 13/24 और 7/24, 13 है ये, तो ये 24 एलसीएम आएगा। ट्वेल्व को 24 से डिवाइड किया, टू टू सेवन सा 14, तो 14 - 13 कितना हो गया, 1/24। फिर 24 एलसीएम आएगा, 12 को 24 से करेंगे, 2, 2, 5 - 10 - 7 कितना हो गया, 3/24। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3। तब यहाँ पे अपन एंट्री पास करेंगे, ये जो नया पार्टनर गुडविल है इसको अपन क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:3। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1,25,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट 1,25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3 में बांटेंगे, ये आएगा 31,250 और 93,750। अब मेथड टू क्या था, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। मेथड टू क्या था हमारा, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। सबसे पहले ही जो कैपिटल ऑफ गुडविल है क्या, इसकी एंट्री करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 80,000। उसके बाद लैंड अकाउंट डेबिट कितना, 2,00,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 4,60,000। कोई भी अनम्यूट करके म्यूट करो एक बार। टू सी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 4,60,000। अब सेकंड एंट्री क्या करने का, क्या मोटिव होता है कि जो भी फर्म की गुडविल है इसको सबसे पहले एक बार बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसको रेज करेंगे अपन इसमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या होगी, सेकंड मेथड में यही तो करते हैं, जो भी अमाउंट लाते हैं सब कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। इसमें गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 7,50,000। जब हमारा मेथड वन होता है ये बाय विदाउट रेजिंग राइट ऑफ, तब अपन इसको बाइफिकेट करते हैं, कैपिटल का कैपिटल में जाता है और जो गुडविल है वो जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल में। इस मेथड वन में जो भी अमाउंट वो लेके आएगा पूरा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो इसमें गुडविल भी इंक्लूड, हाँ इंक्लूडिंग गुडविल। इस मेथड में अगर नया पार्टनर गुडविल भी लाया था तो बताया था ना एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 7:5, 7,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12 × 7 यह आएगा 4,37,500 और यह आएगा 3,12,500। तो ये जो गुडविल आपने रेज करी इसको आप क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कितना है 7,50,000 है। इसको राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में, इनके न्यू रेशियो में क्या है 13:7:4 7,50,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 24 × 13 ये आएगा 4,06,250 उसके 2,18,750 और क्या था ये रेशियो 4 × 4 1,25,000 ठीक है। नेक्स्ट करो, समझ आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 37 देखो, क्या कह रहे हैं, आरती एंड भारतीय पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 आरती और भारतीय दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। दे एडमिटेड सारथी, इन्होंने न्यू पार्टनर सारथी को एडमिट किया और जो इनका न्यू पीएसआर हो गया, जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आरती भारती और सारथी वो क्या है हो गया 2:1:1 हो गया, ठीक है ना। सारथी ब्रॉट 1,00,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये नया पार्टनर क्या हो रहा है गुडविल लेके आ रहा है कितनी 1,00,000 की। और क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती, कह रहे गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर हो रही है, मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपेयर हो रहा है कितने से 60,000 से, लिखा है ना गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। तो बुक्स में गुडविल कहाँ पे अपीयर होती है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है कितने से 60,000 से। अपन को इसकी एंट्री करनी है, देखो सबसे पहले मेथड वन, कौन सा था मेथड वन, विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर हो रही है, तो आपको बताया था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 अब कोई गुडविल अब बुक्स में शो नहीं होती, तो ये जो गुडविल आपको अपीयर यहाँ पे हो रही है शो, इसको अपन क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कितना है 60,000 है। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 60,000 को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, यह आएगा 36,000 और 24,000। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। तो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको अपन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। बी कितना है? 2/5। 2/5 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 2/4 और 1/4। 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा कितना आएगा? 4, 4 थी 12। 4 को 20 से डिवाइड किया, 5, 5 टू 10 कितना हो गया? 2/20। फिर 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा, 4, 4 को 2 से किया 8, 4 को 20 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से किया 5। तो 8 में से 5 माइनस करें कितना हो गया? 3/20। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा? 2:3। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:3। उसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आएगा 40,000 और 60,000। समझ आ गए? मेथड टू क्या था? बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, तो इस मेथड में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सारथी एस कैपिटल अकाउंट, सारथी कैपिटल अकाउंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख ठीक है। अब सेकंड एंट्री का क्या करते हैं अपन कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे फर्म की गुडविल निकालेंगे। कैसे? अपन ने माना फर्म की गुडविल एक्स है, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आया है? 1 लाख की। नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उतनी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है। तो यानी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी? 1 लाख इंटू 4/1। यानी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 4 लाख रुपीज फर्म की गुडविल हो गई। नया पार्टनर कितनी गुडविल अपन को निकालना है? फर्म की गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन के समय फर्म की गुडविल कितनी थी। तो नया पार्टनर कह रहा है 1 लाख की गुडविल आया है। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल आता है? जो भी फर्म की गुडविल होती है मल्टीप्लाई बाय जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो मैंने माना फर्म की गुडविल एक्स है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना है? 1/4 है। तो उसके लिए 1 लाख की गुडविल आया है, यानी फर्म की गुडविल कितनी होगी? 4 लाख। अब मोटिव क्या है? जो 4 लाख की गुडविल है उसको एक बार बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब मैंने बताया था इसके दो तरीके हैं। पहले तो 60,000 की गुडविल को राइट ऑफ करो, तो ये एंट्री पास करो। फिर 4 लाख की गुडविल को रेस करो, फिर 4 लाख की गुडविल को राइट ऑफ करो। और एक तरीका और है, क्या? सेकेंड एंट्री करने का मोटिव क्या है? 4 लाख की गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो 4 लाख में से 60,000 की तो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है। तो क्या करो? 3,40,000 की और रिकॉर्ड कर लो, तो ये 4 लाख की हो जाएगी। तो पहले तो अपन क्या करते हैं? गुडविल को रेज करते हैं कितने की? 3,40,000 की। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 3,40,000। समझ में आया? यहाँ पे सेकंड एंट्री करने का मोटिव क्या होता है?
कि जो भी फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको एक बार बुक्स में दिखाना है। तो 4 लाख की गुडविल है, तो 4 लाख में से 60 तो दिखी रही है, तो 3 लाख 40 और रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो ये 4 लाख की दिख जाएगी। तो मैंने 3 लाख 40 गुडविल को रेस करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो टू आरती कैपिटल अकाउंट एंड टू भारती कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो 3 लाख 40 है, थ्री लाख फोर्टी 3 लाख 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, इनटू 3। तो 2 लाख 4 थाउजेंड, 2 लाख 4 थाउजेंड और 1 लाख 36 थाउजेंड। अब क्या हुआ, इससे 60 की थी, 3 लाख 40 की और रिकॉर्ड कर ली तो 4 लाख की हो गई। तो सेकंड एंट्री करने का मोटिव ये होता है कि जो फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो दिखनी चाहिए, वो दिख रही है। अब इस गुडविल को क्या करो, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल कितना, 4 लाख, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। एंड व्हाट इज न्यू रेशियो, 2:1:1। तो ये आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। समझा गया, नेक्स्ट निकालो 38। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4, फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी और सी का, वो क्या है, 5:4:3। सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 एज कैपिटल, ये सी जो है वो कैपिटल के लेके आ रहा है, कितने की कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 की, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। लेकिन जो उसको गुडविल, जो भी उसको गुडविल लेके आ रही थी वो गुडविल लेके नहीं आ रहा। द फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन, और सी के एडमिशन के समय फर्म की जो गुडविल थी, ऑन सी एडमिशन जो फर्म की गुडविल थी वो कितनी है, 48,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000 ऑन सी एडमिशन। तो क्या बताया था, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता, वैसे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखे तो कि नया, वैसे सी को कितनी गुडविल आनी थी, नया कोई भी नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/4, तो उसके हिसाब से इसको कितनी गुडविल आनी थी, 12,000। बड़ी गुडविल वो कैश में लेके नहीं आया, तो क्या कंसेप्ट बताया था, वो कैपिटल तो ला रहा है 50 की, तो उसकी कैपिटल में से 12,000 निकालेंगे और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, उनके सेक्योरिटाइजिंग रेशियो में। तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्योरिटाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज मैंने आपको 4 स्टेप भी बताए थे जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता। सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, फर्म की गुडविल निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो
वो अपन को दे रखी है निकाल के 48,000 है। फिर स्टेप टू में अपन क्या करते हैं, स्टेप टू में अपन नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं गुडविल में से। तो सी शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल, तो नए पार्टनर का कितना शेयर होगा, 48,000 इंटू 1/4 शेयर के लिए एडमिट कराए तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है, 12,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और 2/5, माइनस न्यू रेशियो कितना है ये 5/12 और 4/12, 60 एलसीएम आएगा। 5 को 60 से डिवाइड किया, 12 इज 36 माइनस 12 को 60 से डिवाइड किया, 5 5 5 25, तो 36 माइनस 25 कितना हुआ 11/60, 60 एलसीएम आएगा। 5 को 60 से डिवाइड करा कितना है 12 12 इज 24, 12 को 60 से डिवाइड किया 5 5 4 20, कितना हो गया 4/60, यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या होगा 11:4। अब आपकी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बुक में करंट अकाउंट से हो रखी है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर कौन है, अच्छा एंट्री अपन क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या की होगी, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल आया है 50,000। उसके बाद अब अपन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बुक में करंट से हो रहा है अपन करंट से ही करते हैं, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो नया पार्टनर कौन है सी, तो सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट कितना था उसका शेयर 12,000, तो सी करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में इनके बांट देंगे 12,000 को, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4 में, दोनों में से कुछ भी कर लो दोनों सही है। अब एंट्री अगर क्लास करते हो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल, वो भी सही है, करंट अकाउंट के थ्रू करोगे वो भी सही है। इसी को अगर अपन मेथड टू से करते हैं, मेथड टू में खास बात ये कि कुछ भी हो कंसेप्ट सेम रहता है, चाहे कैश में लाए चाहे नहीं लाए। जैसे मेथड टू क्या था, बाय रेजिंग एन राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, तो फर्स्ट एंट्री क्या थी, वो ये कैपिटल लेके आए इसकी करेंगे, इतनी कैपिटल लेके आए बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल लेके आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट कितना, कितनी कैपिटल लेके आया वो 50,000। सेकेंड एंट्री क्या होती है, क्या मोटिव होता है सेकेंड एंट्री करने का, कि जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी, 48,000 थी, तो उसको एक बार बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्या करेंगे, रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 48,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 48,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 48,000 को 3:2 में रेज करेंगे कितना आएगा, 48,000 है, 48
8000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 × 3 28,800 एंड 19,200। और थर्ड एंट्री में अपन क्या करते हैं, ये जो गुडविल आपने रेज करी इसको ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, ये रहा न्यू रेशियो। तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना है 48,000 है, किस रेशियो में राइट ऑफ करना है, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या है 5:4:3, तो क्या हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 12 × 5 20,000 × 4 16,000 × 3 12,000। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बी इज कैपिटल 16, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 टू गुडविल कितनी होगी 48,000। समझ में आई बात, कैपिटल और गुडविल दोनों इंक्लूडेड रहता है। हाँ सर, आपने शायद शुरू के क्वेश्चन में नहीं, सब ने यही करा है। इलस्ट्रेशन नंबर 40 निकालो। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई करो ना, नेक्स्ट करो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन March 1, 2017 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक्स वाई जेड का वो क्या है 4:3:2 है। जेड ब्रॉट 1 lakh एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, जेड जो है वो कैपिटल लेके आया कितने की, नया पार्टनर जेड है वो कैपिटल लेके आया कितने की 1 lakh की, ठीक है ना, 1 lakh की कैपिटल लेके आया है। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो अपनी गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया, गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट लेके नहीं आया है। द फर्म गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ जेड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड जो फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, 1,80,000 थी फर्म की गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट जेड विल ब्रिंग द गुडविल लेटर, इट कैन बी एडजस्ट टू कैपिटल, एडजस्ट अगेंस्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन। गुडविल existed इन द बुक्स ऑफ फर्म इज 2,40,000 और जेड के एडमिशन के समय कह रहे फर्म की बुक्स में गुडविल अपेयर हो रही थी। तो गुडविल बुक्स में कहाँ पे अपेयर होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपेयर हो रहा था कितने से, 2,40,000 से। समझ रहे हैं आप, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। जेड को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया और जो इनका न्यू PSR है वो क्या हो गया 4:3:2। जेड जो है 1 lakh की कैपिटल लेके आ रहा है लेकिन गुडविल लेके नहीं आ रहा, फर्म की गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी थी 1,80,000 और बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है कितने से, 2,40,000 से। तो सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं, विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता तो सबसे पहले विचार स्टेप बताए, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, फर्म की गुडविल निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो फर्म की गुडविल कितनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, 1 lakh
एटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, तो जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल कितना है 1,80,000 और जेड का शेयर कितना है 2/9 कितना हो गया 40,000। फिर स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो एक्स एंड वाई, ओल्ड रेशियो कितना है आपका 5/8 एंड 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना था 4/9 और 3/9, तो 72 एलसीएम आएगा। 8 को 72 से डिवाइड किया कितना आएगा 9, 9 5 45, 9 को 72 से किया 8 8 4 32, तो 45 माइनस 32 कितना आएगा 13/72, तो 72 एलसीएम आएगा। 8 को 72 से डिवाइड किया 9 9 3 27, 9 को 72 से डिवाइड किया 8 8 3 24, तो 27 में से 24 गया कितना हो गया 3/72, यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आएगा 13:3 13:3। अब एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख की, ये जो कैपिटल लेके आया इसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट कितनी लेके आया कैपिटल वो 1 लाख की। तो क्या बताया था, ये जो गुडविल अपीयर हो रही है यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कोई गुडविल अपीयर नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो अब इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना 2,40,000, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो 2,40,000 को 5:3 में करेंगे कितना आएगा 1,50,000 और 90,000। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस गुडविल को क्या नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आया, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो कौन है जेड, तो जेड करंट अकाउंट डेबिट कितना है उसका शेयर निकाला था, नहीं ये नहीं, ये 40,000, तो जेड करंट अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट क्या है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी अपन ने निकाला है 13:3, इसको 13:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,500 और 7,500। मेथड टू क्या था, विदाउट रेजिंग ए राइट, बाय रेजिंग ए राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, इसमें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख की, पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख 1 लाख
सेकेंड एंट्री करने का मोटिव क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये जो फॉर्म की गुडविल है ना ये यहाँ पे दिखनी चाहिए। दो तरीके हैं, पहले तो 2,40,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करने की जो एंट्री पास करिए कर दो। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या करो, 1,80,000 गुडविल को रेज करो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, और फिर 1,80,000 गुडविल को राइट ऑफ कर दो ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। एक तो ये हो गया आपकी, इसके बाद अभी तीन एंट्री और पास करो। एक दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड एंट्री करने का मोटिव क्या है, ये जो फर्म की गुडविल है यहाँ शो होनी चाहिए। तो फर्म की गुडविल तो 1,80,000 और ये 2,40,000 शो हो रही है, तो कम करना है इसको, है ना, कितने से कम करना है, 60,000 से कम करना है। तो इस 2,40,000 को अगर मैं 60,000 से कम कर दूं तो यहाँ पे कितनी गुडविल शो होगी, 1,80,000 रह जाएगी। सेकेंड एंट्री करने का मोटिव यही है कि जो भी फर्म की गुडविल है उसको शो करना है, तो उसको अब मैं क्या करता हूँ, 60,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर देता हूँ। ये एंट्री हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही होगी, उनके ओल्ड रेशियो में होगी, चाहे रेस करो चाहे राइट ऑफ करो। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये समझ में आया क्या कि सेकंड एंट्री करने का मोटिव क्या है, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फॉर्म की गुडविल है वो बैलेंस शीट में दिखानी है। तो अभी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रही है 2,40,000, जबकि एडमिशन के समय तो 1,80,000 थी, तो ज्यादा शो हो रही है, तो उसको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करोगे एसेट को, कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू गुडविल कितना हो जाएगा, 60,000, और उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। तो 60,000 को 5:3 में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 है 8 × 5 कितना होगा, 37,500 और 22,500। फिर इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे किसमें, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। तो अब आप आपने जैसे ही एंट्री पास करी तो ये गुडविल 2,40,000 की थी, कितने से कम हो गई, 60,000 से कम हो गई, तो कितनी रह गई, 1,80,000। अब इस गुडविल को ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप कंसेप्ट समझो ना, रटो मत। ये सेकंड एंट्री करने का कंसेप्ट क्या है कि गुडविल को जो फर्म की गुडविल है वो दिखानी है। तो 1,80,000 या 2,40,000 शो हो रही है, तो कम करना है, इसलिए मैंने इसको राइट ऑफ किया है। अभी पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो किया था ये कितनी थी, 60,000 थी यहाँ पे, और फर्म की गुडविल कितनी थी, 4,00,000। तो मेरे को 60 को 4,00,000 बनाना था, तो मैंने गुडविल को रेज किया था। बराबर नहीं करनी, क्या है कंसेप्ट, फर्म की गुडविल शो करनी है, तो मतलब 60 है, 4,00,000 शो करना है यहाँ पे। तो मेरे को और बढ़ाना था, इसको रिकॉर्ड करना था, तो मैंने रेज करा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 2,40,000 दिख रही है बैलेंस शीट में, जबकि है 1,80,000, उसको कम करना है ताकि वो 1,80,000 हो जाए, तो राइट ऑफ कर दिया। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट ये नेट वाला, तो आप डायरेक्ट दूसरा तरीका कर सकते हो, तीन एंट्री पास करके। ये पहले 2,40,000 गुडविल को राइट ऑफ कर दो, ये एंट्री पास करो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या करो, ये जो 1,80,000 की गुडविल है इसको रेस करो जैसे रेस करते हैं, और फिर चौथी एंट्री में क्या करो, उसको 1,80,000 गुडविल को ऑल पार्टनर्स के रेशियो में राइट ऑफ कर दो। तो कितना हो जाएगा ये आपका टू गुडविल, कितना हो जाएगा 1,80,000, कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या था, 4:3:2, कितना आएगा, 80,000, 60,000 और 40,000। समझ में आई बात,